नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त राजू। कैसे हम सब आज करते हैं, आप सब ठीक होंगे। आज हमारी वीडियो जो OTT प्लस DTH 3D सेटअप बॉक्स आता है, इसे हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करके देखेंगे। जैसे कि ये देखिए, ये वाला सेटअप बॉक्स है हमारा। हम आज इसे जो है ब्लूटूथ से कनेक्ट करके देखेंगे, यह ब्लूटूथ से काम कैसे करता है और ये ब्लूटूथ से कैसे चलेगा। ये हमारे देखिए ब्लूटूथ ट्रांसमीटर है, इस पर ये देखिए लिखा हुआ है वायरलेस ऑडियो ट्रांसमीटर रिसीवर। ठीक है, ये 2-in-1 रिसीवर है। ठीक है, इसे चाहे आप हमसे भी मंगा सकते हैं और ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। जहाँ से आपको अच्छा लगे आप वहाँ से मंगा सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास ब्लूटूथ रिसीवर है, ट्रांसमीटर। चलो ना देर करते हुए चलते हैं अब TV की ओर और इसमें देखते हैं ब्लूटूथ लगा करके कैसे कैसे इसमें काम करेगा। दोस्तों, हम TV को आ चुके हैं। ये देखिए, हम अपना एम्पलीफायर भी ऑन कर देते हैं। ये देखिए ब्लूटूथ ऑन हो गया और देखिए इधर हमारा ये TV भी ऑन हो गया है। ये देखिए TV भी हमारा ऑन हो गया है। अब जो है हम इसे चला करके देखते हैं। ये देखिए हमारा ये ब्लूटूथ है, ये एम्पलीफायर है। ये हमारे पास एम्पलीफायर था, हमने इसी से बजाएंगे। आपके पास जो भी ब्लूटूथ होम थिएटर एम्पलीफायर टावर और या ब्लूटूथ स्पीकर, जो भी ब्लूटूथ में हो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए कनेक्ट कैसे होगा। और ये हमारा देखिए सेटअप बॉक्स रखा हुआ है और सेटअप बॉक्स से ही ये TV हमारा चला हुआ है। तो हम इसे चलाने के लिए दिखाते हैं आपको अब करना क्या होगा। ये हम सबसे पहले ये देखिए ट्रांसमीटर हमें ओपन करना होगा। ये हमारा ट्रांसमीटर है दोनों, ये देखिए ट्रांसमीटर है। कोई सा भी हम ओपन करके अब इसे हम रख देते हैं, हम इसे ओपन करते हैं और इसे कैसे कनेक्ट होगा। बहुत ही आसान तरीका है इसे कनेक्ट करने का। ये देखिए हमने इसे ओपन कर लिया है। ये देखिए इसमें एक ये निकलेगा ट्रांसमीटर और एक ये लीड निकलेगी लीड। ठीक है, इसमें लीड की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे हम एक तरफ रख देते हैं और हम इसे देखिए इसमें लगाते हैं। जैसे हम इसे लगाएंगे, ये देखिए USB की जगह पर आपको कोई सी में भी इसमें लगा देना है। जैसे आप इसमें लगाएंगे, देखिए हमने लगा दिया है, लगाते ही आपके देखिए ये फेड हो गया है और ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे हमारे सेकंड भी चल गई हैं। ये देखिए ये 2-1, तो ये सेकंड होते ही अपना आप हमारा ये फेड हो जाएगा। जैसे मेरे तो हैंड टू हैंड हो गया पेड, मगर आपका जो है थोड़ी देर में भी हो सकता है। और जब भी पेड़ हो जाए तो आप देखिए जो भी चीज़ चलाएंगे। अब मैं देखिए कोई वीडियो इसमें प्ले करता हूँ, कोई सी वीडियो आप जैसे ही प्ले करेंगे इसमें, मैं थोड़ा ऐसा सेट कर लेता हूँ कैमरे को, फिर अभी आपको दिखाता हूँ। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको ये लाइफ टाइम फ्री चैनल वाली वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। इस पर जैसे हम ओके करेंगे, ये देखिए, ये देखिए इसमें हमारी आवाज़ आ चुकी है। देखिए ये देखिए ब्लूटूथ से ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से आवाज़ बढ़ाएंगे तो ये देखिए आवाज़ बढ़ जाएगी। ये देखिए यानी हमारे यहाँ से आवाज़ बिल्कुल, देखिए आप यहाँ पर आवाज़ घटाएंगे बढ़ाएंगे तो देखिए ये देखिए ये हमारी आवाज़ यहाँ से घटेगी बढ़ेगी, यानी कि इसमें हमें कुछ नहीं करना होगा। ये देखिए हमारी वीडियो प्ले हो चुकी है। हम थोड़ी आवाज़ खोल लेते हैं और देखिए हम यहाँ से जैसी आवाज़ बढ़ाएंगे तो देखिए स्क्रीन पर ये MPG4 सेटअप बॉक्स है। देखिए या हमारे आवाज के साथ ये देखिए ये आ रही ना आवाज, तो ये हमारा ब्लूटूथ बिना कुछ करे ही चल जाता है। तो देखिए ब्लूटूथ किस लाइट पर है, ये रेड कलर की लाइट पर है। ये देखिए रेड कलर की लाइट इसमें ब्लिंक हो रही है। आपको कुछ नहीं छेड़ना, बस आपको ये ब्लूटूथ लगा देना है, लगाते ही आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं इसका आवाज़ मंदी कर देता हूँ पहले साउंड,
देखिए ये हमारा बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। अगर आज की वीडियो आपको कैसी लगी और हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ये ब्लूटूथ रिसीवर आपको कैसा लगा। आपको किसी तरह की कोई लीड लगाने की भी जरूरत नहीं है, आपका सिस्टम कितनी भी दूर हो यह ब्लूटूथ रिसीवर देखिए ऐसे ही काम कर जाएगा बिना कुछ करे ही। ये देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर या कैसे भी जैसे भी आप इसे चलाओगे सेटअप बॉक्स को, ये ऐसे ही चल पड़ेगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो के कमेंट करके जरूर बताएं। और ये हमारे कुछ भाइयों ने हमें कई दिनों से कमेंट कर रहे थे कि सर ब्लूटूथ से चला करके दिखाएं, ब्लूटूथ से चला करके दिखाएं, तो ये उन्हीं के लिए वीडियो है और सभी के लिए जिन ब्लूटूथ के लिए चाहते हैं कि ब्लूटूथ से हमारा होम थिएटर या एम्पलीफायर या कोई भी चीज़ हमारी ब्लूटूथ से बजे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तब तक मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।